ये 48 साल की लीला हैं। लीला केरल में रहती हैं। लीला शारीरिक रूप से लाचार हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों को मदद की जाए लीला से सीखना चाहिए। लीला इन दिनों मास्क बना रही हैं और अब तक 900 मास्क लोगों को बांट चुकी हैं। एक तरफ जहां लोगों की देश के अलग अलग हिस्सों में मदद की तस्वीरें दिख रही हैं, वहीं ये तस्वीर रांची की है, जहां महेंद्र सिंह धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी इन दिनों जरूरतमंदों का सहारा बने हुए हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी के भाई और समाज सेवी नरेंद्र सिंह धोनी। 20-22 दिन हम लोग को हो गया ये कार्यक्रम करते हुए, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक करने का हम लोग सोचे हैं, और इसमें हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अगल बगल के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, अपार्टमेंट से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग अब आने लग गया है हम लोग को देखते हुए। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें हमें एक संदेश दे जाती हैं, चाहे वो चंदन सिंह हो या फिर गोपाल जो पिछले 30 दिनों से गरीबों को खाना खिला रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग में सुबह सारी टीम चंदन वर्मा टीम आती है यहाँ पर, 8-10 लोग पहले जाते हैं सब्जी मंडी, सब्जी खरीदी, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सब्जी कटवाते हैं, बनवाते हैं, खुद स्वयं पैक कराकर पेटियों में रखकर अलग अलग जगह पर जाकर हमारी पूरी टीम उस खाने को वितरण करती है। और हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे शहर में भूखा नहीं रहे। 28 दिन हो चुके हैं भोजन बांटते हुए। सबसे पहले दिन हम लोगों ने सूखा राशन बांटा, और 28 दिन से लगातार हम लोग पूरी सब्जी के पैकेट बांट रहे हैं। 25 दिनों तक पीएम बांटा है, 3 दिनों से लगातार हम लोग तहरी बांट रहे हैं। सबसे पहले हमारे लोग हम लोग पीएम हाउस के पास जो बस्ती पड़ी हुई है पटरियों पे, उनको खाना पहुंचाते हैं। उसके बाद लोधी पहुंचाते हैं, फिर हथौड़ा चौराहे पे जो कुछ बस्तियाँ पे रोड पे मोमदी रोड पे मड़ैयाँ पड़ी हुई हैं, कच्चे घर में मतलब मड़ैयाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पहुँचा रहे हैं। कुछ आश्रम में भोजन पहुँचा रहे हैं, और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिलती है यहाँ पर कोई भूखा परिवार खो रहा है, तो हमारी टीम का ये काम है कि वो उसको वहाँ पर खाना पहुँचाए। इसी बीच जम्मू में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एहतियातन दूल्हा दुल्हन ने पहले तो सैनिटाइजर का प्रयोग किया, उसके बाद मास्क लगाकर शादी की। हालांकि इस दौरान वो दिव्यांग जो शायद कुछ कर नहीं सकते और जो भूख से तड़प रहे हैं, उनकी मदद को पुलिस आगे आई है। गुजरात में दिव्यांगों को पुलिस राशन बांट रही है। समाज को संदेश देने वाली इसी तरीके की तस्वीरें देश के हर एक हिस्से से सामने आ रही हैं। इसे हमें सिर्फ देखना नहीं चाहिए, बल्कि इसे देखकर समझना चाहिए, ताकि हम भी इस लॉकडाउन में समाज के उन तबकों की सेवा कर सकें जो दाने दाने को मोहताज हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।